चंद्रपुर जिले में कोरोना का विस्फोट जारी है और प्रतिदिन रुग्णों में बढ़त दिखाई दे रही है, जहां आज बीते 24 घंटों में 637 कोरोना के रुग्ण मिले और 5 रुग्ण का दुखद निधन हुआ। यह 637 रुग्ण किस परिसर से संबंधित है, देखते इस खबर में। चंद्रपुर जिले में कोरोना के रुग्णों में लगातार बढ़त हो रही है और यह बढ़त रुकने का नाम नहीं ले रही है और दिन ब दिन रुग्णों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं आज बीते 24 घंटों में 637 कोरोना के रुग्ण मिले और वहीं 5 रुग्णों का दुखद निधन हुआ और इस प्रकार चंद्रपुर जिले में अब कोरोना संक्रमित रुग्णों की संख्या बढ़कर 30,500 हो चुकी है, जिसमें से 26,700 रुग्ण कोरोना मुक्त हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में 3,353 रुग्ण एक्टिव हैं, जिस पर उपचार शुरू है। वही चंद्रपुर जिले में आज जिन 5 रुग्णों की दुखद मृत्यु हुई, उसमें चंद्रपुर शहर के इंदिरा नगर के 68 वर्षीय पुरुष का समावेश है। साथ ही शिवाजी नगर तुकुंग के 74 वर्षीय पुरुष, सिस्टर कॉलोनी का 68 वर्षीय पुरुष, यवतमाल जिले के वनी का 58 वर्षीय पुरुष तथा मारेगांव तहसील की 50 वर्षीय महिला का समावेश है। आज चंद्रपुर जिले में 637 रुग्ण जो मिले हैं, उसमें चंद्रपुर महानगर पालिका क्षेत्र के 390, चंद्रपुर तहसील के 37, बल्लारपुर के 38, भद्रावती के 54, ब्रह्मपुरी के 25, नागभीड़ के 25, सिंधेवाई के 10, मूल के 21, सावली के 12, कुम्बुना का 1, गोनपिपरी के 8, राजुरा के 13, चिमूर के 48, बोर्रा के 102, कोरपना के 34, ज्योति के 3 तथा अन्य जगहों के 16 रुग्णों का समावेश है। चंद्रपुर जिले में कोरोना के रुग्णों में लगातार बढ़त हो रही है। वही नागरिक इस संबंध में सावधानी बरते, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनकर अवश्य निकलें। स्वास्थ्य संबंधी अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत इस संबंध में इसकी जाँच कराएं तथा जिला प्रशासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उस पर अमल करें, क्योंकि यही समय की मांग है।